मैंने अपना फोन कहाँ रख दिया? कमरे में ही तो रखा था। शान, ये ड्रेस देखिए एक बार, पार्टी के लिए कैसा रहेगा? जनता, आप को जो अच्छा लगे वो पहन लीजिए, आप वैसे भी हर ड्रेस में अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन प्लीज आप एक बार देखिए। कैसे चले गए? और ड्रेस तो देखी भी नहीं, लगता उसी बात को लेके नाराज है। पूरी दुनिया की नजरें जिसके ऊपर हो उसे नजरअंदाज नहीं किया जाता। सर जूरा को इसी वक्त फोन करो, वरना सर जूरा को तुम्हारे पास पहुंचते ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर शशि कपूर को ये मैसेज ना मिले और वो सर जूरा को फोन ना करे तो शायद वो सच में यहाँ पे आ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मुझे शशि कपूर की हकीकत साबित करने का मौका मिल जाएगा। उसने फोन काट दिया है। सरजूड़ा, मैंने क्या किया है सरजूड़ा? मैंने आपसे पहली बार तो गलती नहीं हुई ना? मेरा मतलब है कि इंसान से गलती तो होती रहती है, बस मुझे इस बात की टेंशन है कि मैं पार्टी में क्या पहनूंगी। आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। ये लीजिए, ये आपके लिए आहिल जी ने भेजा है। इसमें ड्रेस है आपके लिए तोहफा। जी, मुझे उनकी तरफ से अब और कोई तोहफा नहीं चाहिए। जन्नत, मैं समझ सकती हूँ कि आपको आहिल जी से तोहफा लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि ये ड्रेस किसने दी है? जरूरी ये है कि आप ये किसके लिए पहन रहे हैं। ये भले ही आहिल जी ने दी हो, लेकिन सजेंगी तो आप सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए ना, अपने शौहर शान के लिए। आप प्लीज इसे रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे पहनेंगी तो। प्लीज प्लीज, आपने मुझे अपनी बहन कहा है तो सिर्फ आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरी अम्मी का इंतकाम पूरा होगा और इस घर की बर्बादी शुरू। हर निशाने पर एक जान होती है और वो कब और कैसे जाएगी इसका फैसला वो हाथ करेगा जिनमें असली जान होगी। बर्बादी तो होगी, लेकिन कब, कहां और किसकी, इसका फैसला सरजूड़ा करेगा। आज की इस पार्टी में शशि कपूर को पता चल जाएगा कि सरजूड़ा को नजरअंदाज करने का क्या अंजाम हो सकता है।
तोहफा सामने वाले की पसंद से दिया जाता है। लेकिन अहिल जी तो ठहरे नवाब, उन्हें किसी की पसंद नापसंद की क्या पड़ी? ऐसी ड्रेस पहनती हूँ क्या मैं? क्या सोच के उन्होंने ये ड्रेस मुझे गिफ्ट की? इतनी अनकंफर्टेबल हूँ मैं। अल्लाह कसम, अगर मजबूरी नहीं होती तो मैं कभी नहीं पहनती, वो भी सबके सामने। सर जुड़ा खुद चल के अपनी मौत से मिलने आ रहा है, तैयारी तो पुख्ता होनी चाहिए। शायद आई नो, मैं भी इस ड्रेस से खुश नहीं हूं। मैं नहीं पहनना चाहती ये ड्रेस, मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। लेकिन एक्चुअली कल जो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आने जाने वाली हर गाड़ी पर मेरी नजर है। अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं आपको फोन कर दूंगा। जैसे मैंने कहा वैसे कीजिए प्लीज। तो मैं कह रही थी दैट्स फाइन जन्नत, वी गेटिंग लेट, चले हम चले ना प्लीज। अरे हाँ, आपके वो खास मेहमान कहाँ हैं? कहते हैं कि चांद ज्यादा देर तक बादलों में छुपा रहे तो दिल की बेकरारी बढ़ सी जाती है। क्या अभी तक तैयार नहीं हुए? उस चांद का तो मुझे भी बहुत बेसब्री से इंतजार है। हाँ, क्योंकि आज उसकी इज्जत पर वो दाग लगने वाला है जो उसकी मौत से भी नहीं धुलेगा। कर लो आहिर आखिरी इंतजार अपने महबूब का, क्योंकि आज की रात तुम्हारी काली रात है।